दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है अभी बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है और अपना अच्छे से ख्याल रख रहा है। और आप सभी के परिवार में भी सभी लोग अच्छे से हैं, मैं यही प्रार्थना भी करूँगी। और अभी आज जानते चौथा दिन है, आज चौथा दिन है। इस गेहूँ को सुखा लिया है मैंने, अब इसको मैं साफ करके भर के रख दूंगी, क्योंकि अभी तो आटा है, जैसे जब ख़त्म होगा तो मुझे दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, तुरंत ही पिसवा लूंगी। बस इसीलिए इतनी मेहनत करी क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं, इस ठंडियों में बहुत कम धूप आती है और बहुत जल्दी चली जाती है क्योंकि दिन होता है छोटा, तो पहले से ही कर लिया। ये ठंडियाँ तो बीत ही जाएंगी इतने में मेरे गेहूँ में। तो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि गेहूँ में खरीद के गाँव से नहीं आ पाता, इतनी दूर से कहाँ आ पाएगा, तो यहीं से मैं गेहूँ खरीद के तो साफ करके फिर पिसवाती हूँ और स्टोर करके रखने के लिए। क्वेश्चन आ रहा कि आप कैसे रखते हैं, कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो गेहूँ को स्टोर करने के लिए ना, जैसे कोई डिब्बा, बड़े डिब्बे, टंकी वगैरह होते हैं, उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। मैं तो बॉक्स में रखती हूँ लोहे के, मेरे पास कई सारे बॉक्स पड़े हैं, जब ये फौज में थे तो बॉक्स ले आए थे, तो उन्हीं में स्टोर कर देती हूँ। ऐसी चीज़ हो जैसे बोरी वगैरह है, उनमें नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए टंकी, डिब्बा, यही सब जरूरी होता है। उसके अंदर गेहूं में रखने वाली दवा आती है, उसको कपड़े में बांध के उसके अंदर रख देते हैं तो कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और जब भी धुलना है तो निकाला, धुला, सुखाया और बना लिया। वैसे गेहूँ की दवा जो होती है उसको रखने के बाद बिना धुले, बहुत सारे लोग बिना धुले भी पिसा लेते हैं, जैसे मुझसे कई लोगों से बात हुई है बोलते हैं, लेकिन हम बिना धुले, मेरा मन ही नहीं भरता है, जब तक धुलूंगी नहीं, सुखाऊंगी नहीं पिसा सकती हूँ। तो बस ऐसे ही, और चलिए मैं फटाफट कर लूँ मुझे, क्योंकि आज बहुत सारे काम है, हमें मार्केट भी जाना है। तो शाम को इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं दिन दोपहरिया, हम लोग के यहाँ बोलते हैं दिन दोपहरिया में ही काम निपटा लो, मैं दिन दोपहरिया में ही काम निपटाने आ गई हूँ। 2:30 बज रहे थे इस समय, 2:30 बजे ही आ गई थी छत पे, ताकि धूप रहते ही शाम अंधेरा होने से पहले मैं सब काम आज, मतलब थोड़ा सा तबीयत, 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो मतलब कामों की लाइन सी लगी हुई है, ऐसा लग रहा है अब ये काम भी करना है, वो भी काम करना है, बहुत सारे काम ऐसे हो गए। मान लो खाना वाना बनाने में दीक्षा ने हेल्प करी, इन्होंने हेल्प करी, किसी तरह मतलब होता रहा काम, तो हो जाता है कभी कभी, आप लोग को पता था। उस दिन मैं दिखाने भी गई थी, दवा लेकर आई हूँ, अब आराम हो रहा है, होती है थोड़ी सर में दिक्कत, थोड़ा सा प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम लेडीजों का काम के साथ साथ दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हमें ज़्यादा होती हैं, लेकिन सब कुछ निपटाना हम लोग बखूबी जानते हैं, कि घर परिवार भी चलाना है, काम भी गृहस्थी के देखने हैं, बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी। तो जब ज़्यादा ही पड़ जाता है तभी बिस्तर पकड़ते हैं, नहीं तो चलता रहता है, चलता रहता है। तो वही मेरे साथ भी है। तो मैंने गेहूं बना के रखे, लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के मार्केट आ गई दीक्षा के साथ। पहले ATM से पैसा निकाला, दीक्षा भी थी आज, कोचिंग नहीं गई थी, सैटरडे का दिन था, तो मतलब उसकी उस दिन क्लास जो है 1 घंटे की होती है, तो ऑनलाइन ले लेती है, नहीं जाती है उस दिन। तो बस वो और मैं दोनों लोग ही मार्केट निकले, ये ड्यूटी पे थे, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिल पाता है ड्यूटी की वजह से। तो बस मैं लिस्ट बना के सामान सब कुछ ख़त्म हो गया था मेरा, मतलब घर में ये हो रहा था, ये भी ख़त्म, वो भी ख़त्म है, काम किसी तरह से चला रही थी मैं 2-4 दिन से। चलो उठाओ, तो आ गया है महीने भर का राशन, महीने भर की टेंशन हो गया ख़त्म। हाँ ले लो भैया, पैसे ले लो, जाओ खा लो, काम कराया तो वो तो कैश चुकाना पड़ेगा, पगार तो देनी पड़ेगी, पगार नहीं बोलते, दिहाड़ी दे दे तुमको, पूरे दिन आज काम कराया तुमसे। अरे वाह, दीपू ने चाय बनाई है, ये देखिए कड़क वाली बढ़िया चाय, आते ही चाय मिलने वाली है हमें। तो मार्केट में और भी कुछ काम था, सामान भी लेना था, सब में काफ़ी टाइम लग गया। जब तक हम घर पहुंचे थे तो ये ड्यूटी से आ चुके थे, तो मतलब पहुंचते ही फिर दीपू ने चाय बना के रखी थी, क्योंकि पापा आ गए थे उनके, तो पानी और चाय दीपू ने सबके लिए बना दिया था। फिर हमने चाय पानी किया और उसके बाद दीपक जलाना था मंदिर में, ये बोले कि चलो तुम अपने और काम देख लो, क्योंकि सामान वगैरह रखना फिर वो रख पड़ा रह जाता है, तुरंत के तुरंत सामान रख दो तो ज़्यादा ठीक है। तो बोले तुम कर लो, मैं जाके दीपक जला देता हूँ। तो इन्होंने दिया बत्ती करी है और
बच्चों का है, पेपर आने वाला है, तो मैंने कहा तुम लोग जाओ पढ़ाई लिखाई कर लो, थोड़ी देर दिन में नहीं हो पाई है, तो मैं सामान बस लेके, लेकिन सामान जब मैं रखने लगी ना तो सूंघते सूंघते बच्चे भी आ गए कि ये चीज़ खोलो। होता ही ना जब सामान आता है तो उसमें कुछ चीज़ें खाने पीने वाली रहती, बच्चे उसका इंतज़ार करते रहते मम्मी खोले तो हम खाएं, तो बस ये लोग भी आ गए। और एक समय कोविड का था, मुझे कभी कभी याद आता है कि जब उस टाइम पे सामान लेके आते थे ना तो एक दो दिन के लिए तो रख देते थे कि पहले क्वारंटीन में, मतलब दो तीन दिन बाद ही सामान को रखते थे, लेकिन भगवान ना करे वो दोबारा वो समय आए। वो समय बहुत ही बुरा रहा, बहुत ही बुरा, बहुत ही तो बस मैं सामान फटाफट से रख रही हूँ। तो ये आ गए थे, मैंने कहा जब आ ही गए हो तुम लोग खाने पीने के चक्कर में तो मेरी कुछ हेल्प ही कर दो, डिब्बे वगैरह उठा के रख देना। मैंने भर भर के दिए हैं, इन लोगों ने सारी चीज़ें स्टोर करी, तो जो इसमें ड्राई फ्रूट थोड़े बहुत जो डिब्बों में बचे रहते हैं ना, मेरी आदत है कि जो चीज़ें जैसे हैं उनको निकाल के फिर नया भर देती हूँ वैसे, और या तो फिर वो सामान ऊपर रख जैसे कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो पीछे पुराना बचा है उसको किसी बर्तन में निकाल लेना है, उनको ऊपर से डाल देना, ताकि जो पुराना सामान है वो पहले ख़त्म हो जाए और जो नया सामान है वो नीचे रहे। तो मेरे सारी ही चीज़ें मसाले से लेकर सब कुछ जो ख़त्म था सब कुछ मैंने डिब्बे में भरा, और बच्चों ने हेल्प भी करी, और दाल ना लास्ट में रखते रखते छीट ही गई मेरे से थोड़ी सी, तो बोले मम्मी ये क्या कर रहे हो मेरे। अच्छा, दाल आप लोग भी कोशिश किया करें कि हर तरह की दालें ले आइए, मिक्स दाल बनाइए, अलग अलग दाल बनाइए, क्योंकि दाल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, अपने लिए भी चाहिए, हमें अपना भी केयर करना है, बच्चों का, फैमिली का। तो तरह तरह की दालें अगर बनाते हैं ना तो उससे अलग अलग तरह के प्रोटीन बच्चों की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, तो वो मिल जाएगा। और उसके बाद शाम हो गई थी तो झाड़ू नहीं लगाना था, तो मैंने ऐसे ही पॉलीथीन से ही सारा समेट लिया था, क्योंकि कचरा हो ही जाता है जब हम सामान भरते हैं तो। और उसके बाद मलाई बहुत दिनों से मतलब रखी हुई थी, तो बीच बीच में मैं निकालती भी नहीं हूँ, कई दिन बच्चों का मन होता है ना तो वैसे दे दिया, कई बार रेसिपी में मलाई चली जाती है, तो काफ़ी दिन से मलाई भी इकट्ठा हो गई थी, और घी मेरा ख़त्म हो गया था तो इसको भी निकालना ज़रूरी था, क्योंकि संडे को फिर नहीं निकालते हो, आज सैटरडे था, बिना घी के खाना किसी से खाया नहीं जाता, दाल किसी से, तो इस बार ना मैंने मिक्सी से ना निकाल के इस तरह से निकाला है, विस्कर जो होता है ना इससे भी बहुत ही ईजिली आराम से निकल आता है। जैसे अब ठंडी है तो हल्का गुनगुना पानी डाला, मलाई डाली, और उसके बाद इसको घुमाया ना, 5 मिनट आप घुमाएंगे मुश्किल से घी फटाफट निकल आता है। या फिर ये विस्कर नहीं है आपके पास बड़ा वाला, या फिर बड़ा चम्मच वगैरह लेकर भी घुमाएंगे ना, तो पहले मैं वैसे ही निकाला करती थी, बीच में मिक्सी से निकालने लगी, जब जैसा मैं मतलब जिस टाइम में जैसे मेरी मर्जी होती ना वैसे कर लेती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो इसी से ट्राई करती हूँ, तो ये और जल्दी हो गया, आराम से निकल आया, देखिए फटाफट से, बस इसमें मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला था और विस्कर घुमाया थोड़ी देर, और उसके बाद बस बढ़िया सा घी निकल आया, और घी चढ़ा दिया है हाथों हाथ, मैंने कहा कि कढ़ाई में डाल देती हूँ फटाफट। और ये विस्कर होता है इसमें से थोड़ा सा साफ़ करना मुश्किल होता है, इसलिए जब जैसे ही चढ़ाया ना गर्म हुआ कढ़ाई, वैसे ही मैंने इसको विस्कर को उसी में घुमा दिया, तो जो घी लगा हुआ था ना, जो मक्खन लगी हुई थी उसमें, तो वो निकल गई है। और उसके बाद देखिए मेरा घी हो गया। घी जैसे आप लोग किसी को, बहुत लोगों को नहीं पता, वैसे हम लोग जैसे जो करता रहता है वो काम उसके लिए नॉर्मल लगता है कि हर किसी को आता होगा, पर कई बार कमेंट आते मुझे लगता है कि किसी किसी को नहीं पता होता, लेकिन बहुत आसान होता है। मलाई निकाल के रखिए, फ्रिज में रखते जाइए, फिर ऐसे घुमाया उसमें हल्का पानी डाल के, और फिर मक्खन सा निकल आता है, मक्खन डालिए कढ़ाई में, और कढ़ाई में मतलब जब एकदम झलकने लगता है, जैसे एकदम साफ़ हो जाता है घी, पहले तो धुंधला धुंधला सा मतलब होता है, और जब एकदम साफ़ दिखने लगे आर पार, मतलब घी से एकदम झलकने लगता है कि नीचे जो करोनी होती है वो भी दिखने लगती है, तो घी एकदम सही बन गया है इसका मतलब। उसके बाद बंद करिए और छान के मैंने तुरंत ही भर दिया, क्योंकि ठंडी के सीज़न में ना जम जाता है, तो इसलिए मैंने तुरंत ही डिब्बे में भी भर दिया। और यहाँ पर ये मेरे छत के साग है, कुछ मार्केट से आए हुए हैं, इसमें राई है, मेथी है, और पालक है, पालक मेरे छत पर से ऊपर से ले आके ये तोड़ के ले आए थे, तो वही बस दोनों लोग बैठ के साग, मैंने कहा आज चलो साग ही बनेगा, साग और चावल रोटी, चावल बचे हुए थे दोपहर के, चावल भी नहीं बनाए, जिसका मन होगा एक इनका चावल थोड़ा सा इनको चाहिए होता है। तो करते करते काम ख़त्म करते करते हालत तो बुरी हो गई है, पर काम करके ना मैंने सब लोग, दीक्षा ने सबको दे दिया था, मैं यही सब थोड़ा समेट के फिर मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं
जब मैं वीडियो एंड करने आती हूँ तभी मुझे लगता है लाइट कम है। तो दोस्तों सारे काम हो गए हैं जो भी पेंडिंग थे मेरे, रोज सोचते थे ये करना वो करना, आज फाइनली मैंने जितना सोचा था कर लिया किसी भी तरह से। और घड़ी में बज रहे हैं इस समय 10:30, हालत भी देख रहे हैं आप लोग। हो ही जाता है, ज्यादा काम होगा तो आदमी थोड़ा सा परेशान तो हो ही जाता है, लेकिन सब निपटा के जो सुकून मिलता है वो सुकून मिल गया है मुझे। और अब मैं सोने की तैयारी करूंगी, बस सो ही जाऊंगी। ये तो सो भी गए हैं और ये देखिए मेरे बच्चा पार्टी इधर। ये दीपू हेलो पड़ी हुई है, ऐसे पढ़ाई होती लेट के थोड़ी रही हूँ। हाँ फिर क्या कर रही, सो रही है, झूठ मूठ की कॉपी रख रखी हो अपने ऊपर है तो दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। और देखो देव, मेरे देव के नाक पे बॉल लग गई थी, बास्केट बॉल यहाँ पे, और निशान सा पड़ गया है, अभी लगेगा ठीक होने में टाइम। गेम में ऐसा भी होता है, खेलने में जितना मजा आता उतनी चोट लग जाती, दर्द भी होता है। तो भैया चलिए अब इस वीडियो को एंड किया जाए, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, कहीं भी पसंद आया है, कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं, जो हैं पुराने हैं वो मेरे बहुत, मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं ऐसे ही अपने वीडियो ब्लॉग बनाती रहूंगी, ऐसे सिलसिला चलता रहे प्यार का आगे भी। तो चलिए इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने अपने काम घरों में निपटाते रहिए, मेरी तरह आप भी लगे रहिए, यही जिंदगी है। काम करो और खुश रहो, काम करो खुश रहो, बैठ के भी क्या फायदा है ना, थोड़ा सा इंजॉय तो करना चाहिए लेकिन उसके साथ काम भी घर के जरूरी हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। देवा बाय तो करो।